पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज का आपने देखा कि हुआ जहाँ स्नॉर्कलिंग गए और हम पूरे भैया आईडी कहाँ जैसे करो प्लीज। अविनाश भाई आईडी नहीं आ रही है जो तुम्हारी भी आ गई। आगे रिकॉर्ड स्थापित करना है थोड़ा सा ऊपर देश को हरा भरा बनाने के देश से जो विश्व भर में चर्चा चलती है क्लाइमेट चेंज से लेकर पर्यावरण देखते हुए ये हम सबका कर्तव्य बनता है। एक एक व्यक्ति ये निर्णय ले कि हम पौधारोपण करेंगे वृक्षारोपण करेंगे अपने शहर अपने मोहल्ले अपनी गली को हरा भरा बनाएंगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के सवाल को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री और इसमें हम जरूर सफल। मंत्री जी हर साल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है लेकिन उसके बाद कितना सफल अब तक कार्यक्रम रहते हैं सवाल क्यों नहीं होते सफल होते हैं। टारगेट दिए गए हैं वृक्षारोपण के और सर्वाइवल रेट की भी मैंने आज बात कही है कि समीक्षा की जाएगी कितने वृक्ष आगे बढ़ पाते हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। मंत्री जी चाहते हैं कि इसमें सामाजिक संस्थाएं से लेकर कॉर्पोरेट से सभी लोग इस पर आगे बढ़ के इस मुहिम को आगे बढ़े। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री भगवान श्री चंद्र प्रसाद जी मंचासीन मेयर साहब श्री विनोद अग्रवाल जी गुरुजी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी डीएम साहब एसएसपी साहब पीसी साहब डीएफओ साहब जिला अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी सम्मानित मंच इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित जन मातृशक्ति प्यारे बच्चों अभी डीएफओ साहब ने बहुत डिटेल से अग्रणी डीएम साहब ने बहुत डिटेल से प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की मंशा के बारे में आपको बताया। साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि बचपन में हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय कहा जाता था कि जल ही जीवन है। जल के प्रति जागरूकता अभियान चलते थे जल को कैसा बचाया जाए उसके बारे में बताया जाता था तो हम लोग बचपन से हमारे मन में ये चीज बैठ गई है। उसी तरीके से बिना वृक्षों के भी जीवन हमारा अधूरा है क्योंकि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है तो उसको जागरूक करने के लिए भी हमें अभियान चलाए जाते हैं लेकिन उसको और अधिक चलाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री का ये फोकस है कि जैसे बताया गया है कि 35 करोड़ वृक्ष हमें लगाने हैं लेकिन उतने वृक्ष बचे भी रहे इसकी चिंता भी हम लोगों को करनी है। खाली लगाना ही उद्देश्य नहीं है उनको बचाना भी हमारा उद्देश्य है। तो मेरा ये निवेदन है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से संबंधित टीचर्स यहाँ मौजूद हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि हमें जागरूकता का अभियान हर विद्यालय में चलाना चाहिए और वृक्ष की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी महत्ता बढ़ गई थी लोग हजारों लाखों रुपए देने को तैयार थे कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको मिल जाए ये महत्ता इसके ऑक्सीजन की है तो हमें डिटेल से वृक्षों के महत्व के बारे में बताना चाहिए तभी जो मुहिम प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो पूरी होगी। एयरपोर्ट पर माननीय मंत्री जी ने वृक्षारोपण किया और अब यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। सर जैसा कि आप अवगत हैं कि मुरादाबाद जनपद का टोटल टारगेट 22,65,000 वृक्षारोपण का है जिसके अगेंस्ट हम लोग आज उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक हम लोग 20 लाख लगभग वृक्षारोपण कर देंगे। जो अवशेष वृक्षारोपण होगा वो हम लोग 15 अगस्त तक कर देंगे। हमारा जो टारगेट है उससे ज़्यादा अचीव हम करेंगे हम आपको आश्वस्त करते हैं। जहाँ तक पौध की स्थिति है हमारे पास जो फलदार वृक्ष हैं लगभग 4 लाख उपलब्ध हैं। इसके अलावा 35 लाख हमारे वन विभाग के नर्सरियों में पौध उपलब्ध हैं जो हमने न केवल सरकारी विभागों को निःशुल्क उपलब्ध कराया है बल्कि जो हमारे आम जन किसान भाई जो भी जिनको भी ज़रूरत थी शहरवासी सभी लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क पौध उपलब्ध कराई है। जिन लोगों ने चाहा था कि फलदार वृक्ष लगाएं उनको फलदार वृक्ष दिए गए हैं और जिन लोगों ने इमारती लकड़ी या अन्य तरह के वृक्ष चाहे थे उनको उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सर मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि मुरादाबाद जनपद आज से 3 साल पहले सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों में था लेकिन सरकार के प्रयास से सरकार के निर्देश से जो कार्य किए गए अभी लास्ट ईयर 22-23 में मुरादाबाद पूरे कंट्री में नंबर 1 हुआ है जो इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने में पूरे देश में पहला इसको पुरस्कार मिला है तो ये हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है। सर एक सर हमारी अरिल नदी थी जो समाप्त हो गई थी अरिल नदी उसका भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है सर। 42 किलोमीटर की हमारी अरिल नदी थी
उस हरी नदी को हम लोगों ने सर पुनः उसको हम लोगों ने नए सिरे से वहाँ पर लोगों के सहयोग से, जल सहयोग से, वहाँ के कृषकों के सहयोग से उस हरी नदी का जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं और 42 किलोमीटर में लगभग हम लोग 25 किलोमीटर में काम कर चुके हैं। बाकी हमारा काम अभी भी चल रहा है सर। इसके अलावा सर जैसा निर्देश था ग्राम वन के लिए, आयुष वन के लिए और नंदन वन के लिए, इन तीनों श्रेणियों में सर हम लोग काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है सर कि यहाँ पर पुरुषों के साथ महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है। इसके लिए हम अपने सभी महिला शक्ति को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि इन लोगों ने भी उतनी ही भागीदारी की है। और अभी पिछले दिनों बैठकों में भी महिलाओं की काफी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। हमारा प्रयास है कि जो लक्ष्य है न केवल हम लक्ष्य को अचीव करें बल्कि साथ ही साथ वो ब्रिज सर्वाइव करें, ये भी हमारी पूरी कोशिश है सर। हम आपको आश्वस्त करते हैं सर कि जो भी आपका यहाँ पे आज मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी शासन के निर्देश है उसका पूरी भावना के साथ हम लोग पालन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मुरादाबाद का नाम उन नगरों में हो, उन जिलों में हो जहाँ वृक्षारोपण या ट्री कवर कवरेज में अच्छी खासी वृद्धि हो। इस दिशा में हम कार्य करेंगे सर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।